रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर काउ मिल्क लिया है। ये गाय का दूध आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप टोन मिल्क ले सकते हैं। तो फ्लेम को हम ऑन करेंगे और दूध को हम गर्म कर लेंगे। दूध में अब बॉयल आ गया है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे लगभग 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे हमें हल्का सा ठंडा करना होता है, उसके बाद हम इसमें विनेगर मिलाएंगे इसे फाड़ने के लिए। इसमें तुरंत ही हमें विनेगर नहीं मिलाना है। तो दूध को फाड़ने के लिए मैंने लगभग 2 चम्मच विनेगर ले लिया है। इसमें हम इतना ही पानी मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अभी मैं साइड में रख रही हूँ। दूध जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा इसमें हम विनेगर मिलाएंगे। मैं दूध को फाड़ने के लिए सफ़ेद सिरके का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध अब हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए जो दूध है बहुत अच्छे से फट गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इसे आप तुरंत ही छान लें, इसे ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, उस पर एक छन्ना लगा लिया है। इस पर हम एक कपड़ा लगा लेंगे, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं जो सूती हो, जिसमें आसानी से छन सके। सारा जो छेना है उसे छान लेंगे। इसका जो ये पानी निकला है इसे आप फेंके ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप आटा सानने में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी किसी भी सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पानी होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। इसके छेना को हम पानी से खूब अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी हमने विनेगर डाला है वो निकल जाए बाहर। इस छेने को हमने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। और जितना भी इसमें एक्सेस पानी है उसे भी निकाल देंगे, यानी कि जितना भी इसमें फालतू पानी है पूरा निकाल देंगे इस तरीके से। इसे हमें बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, बहुत ही हल्के हाथों से दबाना है। और अब इस छेना को हम 40 से 45 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए और ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो जब तक रसमलाई का छेना तैयार हो रहा है हम इसके लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, इसे अब हम बॉयल करेंगे। दूध में जो भी मलाई बनती जा रही है उसे हम इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि जो रबड़ी है वो गाढ़ी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी ली है, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। चीनी आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे मैंने लगभग 5 से 7 मिनट तक और पका लिया है। दूध अब हमारा हल्का गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें 1 पिंच केसर डाल रही हूँ, इससे जो रबड़ी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। केसर डालने के बाद लगभग 5 मिनट मैंने और इसे पका लिया है, इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो चुका है। इसमें हल्का सा मैं फूड कलर और डाल रही हूँ, ये सैफ्रॉन कलर है, ताकि इसका जो सैफ्रॉन कलर है वो थोड़ा सा और एनहेंस हो जाए। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसे पकाते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है। इसे अब मैं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, इसे हमें इतना ही रखना है क्योंकि जब हम इसे ठंडा करते हैं तब ये थोड़ा और गाढ़ा होता है, और अगर ये थोड़ा लिक्विडी होता है तभी ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है रसमलाई में। और अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 इलायची कूट कर ली हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू पिस्ता और बादाम लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है।
तो ये देखिए रसमलाई के लिए रबड़ी तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे, अच्छे से चिल कर लेंगे। छेना को रखे हुए हमें छन्ने में लगभग 45 मिनट हो चुका है। अब हम छेना को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट छेना बनकर तैयार हुआ है। इसे आप बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे ही ना रखें, अगर ये बहुत देर तक रखा रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा पानी इसका निकल जाएगा और बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं बचेगा। तो वैसा छेना हमें नहीं बनाना है, हमें देखना है कि जो छेना है वो थोड़ा मॉइस्चर उसमें रहना चाहिए। तो अब हम इसे सॉफ्ट करेंगे, अच्छे से मसलेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी जब हम बॉल्स बनाएँ रसमलाई वाली तो वो अच्छे से बन सकें। तो इस तरीके से हम अपने हथेली की मदद से इसे मसलेंगे। इसे हमें जब तक मसलना है जब तक ये ऑयल यानी कि घी जैसा ना छोड़ने लगे। तो इस तरीके से जैसे मैं ये मसल रही हूँ इस तरीके से हमें इसे मसलना है। इसे मसलने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय अच्छे से लग जाता है। तो इसे आप पेशेंटली इस तरीके से मसलते रहें जब तक इसका घी ना निकले, तभी जो हमारी रसमलाई है वो अच्छी बनेगी। तो ये देखिए जो ये डो है इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से छेना की जो हम बॉल्स बनाते हैं वो फटती नहीं है। अभी हमें इसे चाशनी में पकाएंगे तो चाशनी में जाने के बाद ये फटेंगी नहीं। आप चाहें तो इसे बिना मैदा के भी बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है इनके फटने का, इसलिए हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं इसकी बाइंडिंग को अच्छा करने के लिए। और इसमें जो एक्सेस मॉइस्चर है ये कॉर्नफ्लोर इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हम वापस से इसी तरीके से 1-2 मिनट और कर लेंगे। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और उससे फिर हम रसमलाई बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम छोटी छोटी रसमलाई की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी इनका साइज़ भी बढ़ता है इसलिए हमने साइज़ को छोटा ही रखा है। अब हम रसमलाई के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ले ली है। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 लीटर पानी। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। चीनी को घुलने तक हमें इसे पका लेना है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस चीनी घुलने तक ही हम इसे पकाएंगे। और इसे हम इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो जल्दी से घुल सके और तले से ना लगे। अब जो ये चाशनी है इसमें अच्छा बॉयल आने लगा है तो इसमें हम रसमलाई डालेंगे। तो एक एक करके हमें रसमलाई डालनी है। तो पहले नंबर पे मैं खाली एक ही इसकी रसमलाई डाल रही हूँ ताकि हम चेक कर सकें ये फट तो नहीं रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एकदम सही है, नहीं फट रहा है। तो बाकी की बॉल्स भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने जो भी बॉल्स बनाई हैं बाकी की वो भी हम इसमें डालेंगे। एक एक करके हमें डालनी है। इसमें जो बॉयल आ रहा है ये मेंटेन रहना है, सारा एक साथ नहीं डालना है इसमें। तो ये देखिए जितना डो हमने लिया था उसमें ये 8 बॉल्स बनकर तैयार हुई है रसमलाई के लिए। और अब हम इन्हें लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। टेम्परेचर हमें हमेशा इतना रखना है कि इसमें जो ये बॉयल है ये मेंटेन रहे। तो आप इसे मीडियम और हाई के बीच में रख सकते हैं और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसका जो साइज़ है वो डबल ना हो जाए। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे इस तरीके से पका लिया है। अब मैं इसे ढक लूँगी और इसे ढककर हम जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। लगभग 20 मिनट में ये साइज़ में डबल हो जाता है। तो ये देखिए रसमलाई को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। तो चलिए इसे खोल कर एक बार देख लेते हैं और अब हम इसे पलट भी लेते हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक सके।
और अब हम इसे इसी तरीके से 10 मिनट तक और ढककर पकाएंगे। इसे हमने पलट लिया है, फ्लेम को मैंने हाई पर ही रखा हुआ है। बीच बीच में मैं थोड़ी देर के लिए मीडियम करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से हाई कर देती हूँ। तो ये देखिए, रसमलाई को पकाते हुए लगभग 20 मिनट हो गया है, रसमलाई रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। अब हमने जो ये रसमलाई बनाकर तैयार करी है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब जो कढ़ाई में बची हुई चाशनी थी वो हम इस बाउल में डाल लेंगे, ताकि जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए, हमारी जो चाशनी एकदम चिल हो चुकी है। अब हमने जो रसमलाई बनाई है एकदम गर्मा गर्म इसमें डालेंगे। ऐसा करने से जो हमारी रसमलाई है, इनकी शेप एकदम होल्ड हो जाएगी, यानी कि अचानक से ठंडा होगा तो इसकी जो शेप है वो एकदम परमानेंट हो जाएगी, ये टूटेंगी नहीं। हमारी जो ये रसमलाई है अब अच्छे से ठंडी हो गई है, तो चलिए अब हम इसे रबड़ी में डाल देते हैं। इसे डालने के लिए हम एक रसमलाई इस तरीके से उठाएंगे और इसे हाथ में इस तरीके से दबा देंगे, जो भी एक्सेस इसमें सिरप है वो निकल जाएगा, यानी कि चाशनी इसकी निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के हाथों से इस तरीके से दबाना है और उसके बाद हम रसमलाई में इसे डाल देंगे। एक बार इसे हल्का सा चला लेंगे। अब हम 4 से 5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारी जो रबड़ी है वो अच्छे से स्पॉन्ज में जा सके और रसमलाई बहुत ही ज़्यादा रसीली बन सके। तो मैं अब आपको इसे 4 से 5 घंटे के बाद सर्व करके दिखाती हूँ। तो रसमलाई मैंने अब फ्रिज से बाहर निकाल ली है और अभी देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है, दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया इसका। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रे ले ली है, तो चलिए फिर इसे सर्व करते हैं। ये देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है। सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।